नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार। इस वीडियो में हिबिस्कस यानी गुड़हल में लगे काले कीड़े यानी आफिड्स भगाने का आसान तरीके बताने वाला हूं। तो हार्दिक स्वागत है आप सबका केकेएस ग्रीन गार्डनिंग में। आज का विचार है, खुद पर भरोसा रखिए, कभी हार मत मानिए। फ्रेंड्स, ये आफिड्स गुड़हल के कॉमन डिजीज है। ये बहुत सारे कलर में आते हैं, जैसे ब्लैक, वाइट, येलो या पिंक। ये कीड़े नए पत्ते और कलियों में बहुत संख्या में चिपकते हुए नजर आते हैं और इनके होते हुए पौधों में कभी फूल ठीक ढंग से नहीं खिलते। अगर खिलते हैं तो भी वो विकृत हो जाते हैं। और ये कीड़े सांप चूसते हुए जो सुगरी हनीड्यू छोड़ते हैं, इससे सूटीमोल्ड नामक एक ब्लैक फंगस भी डेवलप करता है प्लांट में। और ये फंगस प्लांट के जो फोटोसिंथेसिस होता है, इस प्रक्रिया को इफेक्ट करके प्लांट का ग्रोथ बंद कर देते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे वायरस भी ये आफिड्स अट्रैक्ट करते हैं। सही समय पर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो ये कीड़े आपके गार्डन में लगे सभी गुड़हल के पौधों को स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आफिड्स एक ही सीजन में सेवरल जनरेशन पैदा कर सकते हैं और गार्डन के सभी गुड़हल प्लांट को नष्ट कर देते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान तरीके बताने वाला हूँ। तो आप अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। गार्डन में रोज़ एक चक्कर जरूर लगाएं और कहीं कोई गड़बड़ी नज़र आता है तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। नंबर एक, प्रूनिंग अप हाईली इन्फेक्टेड मटेरियल्स इज ए बेस्ट वे टू रिमूव आफिड्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड प्लांट्स। इसके लिए एक न्यूज़पेपर लेकर सॉयल और पॉट को कवर कर दें और जितने भी स्पेंट फ्लावर इन्फेक्टेड हैं और छोटे छोटे कलियां भी इन्फेक्टेड हैं, इन सब को काट देना चाहिए। ध्यान रखें कि ये कटे हुए इन्फेक्टेड आइटम ये पेपर में ही गिरें और इस सॉयल में ना गिरें, नहीं तो ये फिर से वापस आ सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए हैंड ग्लोव्स भी यूज कर सकते हैं। और ये प्रूनिंग के बाद अब ये न्यूज़पेपर को यहाँ से हटा दें और ये जो सारी इन्फेक्टेड मटेरियल्स काटे गए हैं, इन सब को पेपर में डाल दें। अब ये न्यूज़पेपर और प्रूनिंग आइटम्स को किसी सेफ जगह पर ले जाएं और वहाँ इसमें आग लगा दें ताकि ये सभी जो आफिड्स यहाँ लगे हैं ये सब आग में बर्न हो जाए। अगर आप इसे आग लगाना नहीं चाहते तो इसे किसी दूर लेकर आप डिस्पोज कर सकते हैं या फेंक सकते हैं। हैवी इन्फेस्टेशन से छुटकारा पाने के लिए ये एक आसान तरीका है और सेफ भी है। और इसमें बहुत सारे जो आफिड्स होते हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं। अब दूसरे नंबर पर, लो प्रेशर वॉशिंग। इस प्रोसेस में हम गार्डन में लगे होस पाइप के सहारे इन पौधों के ऊपर प्रेशर से पानी स्प्रे करेंगे और इससे जो आफिड्स हैं ये सब वॉश हो जाएंगे। तो इससे पहले हम ये जो पॉट और सेल को एक पॉलीथीन लेकर कवर कर देना है और गार्डन में जो होस पाइप है इसे लेकर ये प्लांट को हम जोर से स्प्रे करेंगे। और ध्यान रहे, इसका कोई ये फोलियज का डैमेज नहीं होना चाहिए। ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो ये फोलियज यहाँ से टूट सकते हैं। वाटर प्रेशर की वजह से बहुत सारे आफिड्स इस पॉलीथीन में गिरते हुए नजर आएंगे। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम 3 दिन के बाद फिर से रिपीट करेंगे। प्रेशर वॉशिंग के बाद ये पौधा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। हेल्थी प्लांट के मुकाबले ये जो दुर्बल और ट्रेस्ट प्लांट होते हैं ये बहुत जल्द इन्फेस्टेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए पौधों को हेल्थी रखने की कोशिश जरूर करें। अगर ये इन्फेस्टेशन लो है यानी इसमें कम आफिड्स लगे हैं तो इसलिए एक आसान तरीका है, आप एक सॉफ्ट ब्रश लीजिए और ये ब्रश लेकर आप ये जो कलियां हैं और इसके जो पत्ते जहाँ जहाँ आफिड्स लगे हुए हैं इन सबको साफ कर देना है। आफिड्स से छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू उपचार भी हैं। इसके लिए हम जो टमाटो के पत्ते या नीम के पत्ते ले सकते हैं
और इसे किसी मोटर में देकर हम इसे क्रंच करेंगे और इसे निकालकर हम आधा लीटर पानी में इसे डुबो देंगे और इसे सोक करके रात भर ऐसे ही छोड़ देंगे और दूसरे दिन सवेरे सवेरे हम इसे यहाँ से लेकर हम इसे फिल्टर कर देंगे और किसी भी स्प्रेयर में इसे डालकर इन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देना है। आफिड्स कंट्रोल के लिए इसके अलावा हम हॉर्टिकल्चरल ऑयल, इंसेक्टिसाइडल सोप और नीम ऑयल इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आफिड्स कंट्रोल के लिए इन सब में से किसी को भी आप लेकर फोलियो स्प्रे कर सकते हैं और ये फ्रूटफुल है। बेटर रिजल्ट के लिए 7 दिन के बाद ये प्रोसेस फिर से दोहराना होगा। आपके पौधों में बहुत सारे आफिड्स लगे हैं तो आप केमिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स ये नष्ट कर देते हैं। हो सके तो ये केमिकल कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े और ज़्यादा इन्फेक्शन है, बहुत कम मात्रा में इमिडाक्लोफिड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और ये केमिकल एप्लीकेशन के पहले हम प्लांट को ज़रूर वाटरिंग करें। प्लांट को हेल्थी बनाने के चक्कर में हम इसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए पत्ते ये जो आफिड्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।